जिला महिला चिकित्सालय में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात अभिजीत सहायक की रात अचानक मृत्यु हो गई। कनिष्ठ सहायक केयर आकस्मिक के निधन पर जिला महिला चिकित्सालय में शुक्रवार को प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव के कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के बाद पंजीकरण काउंटर और दवा वितरण केंद्र को बंद कर दिया गया, सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही संचालित हुई। शोक सभा में जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय शंकर देव कुलियार, डॉक्टर सी एम आज़ाद, डॉक्टर नीना त्रिपाठी, डॉक्टर साहिबा सिद्दीकी, रेन स्नेह, लता डॉन, अमरनाथ जायसवाल, सुषमा सिन्हा, वरिष्ठ सहायक एस के राय सहित जिला महिला चिकित्सालय के अन्य डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गौरव पुनी संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा। कल तक तो ठीक थे, ड्यूटी पे आए हैं और बातचीत भी कर रहे थे। और रात में सुना है कि पता लगा है कि रात में 9-10 बजे के आसपास जिला अस्पताल की इमरजेंसी में आए थे और सीने में दर्द की शिकायत कर रहे थे और कोई इंजेक्शन वगैरह वहाँ भर्ती की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने तो भर्ती नहीं कराया और लेकिन घर चले गए तो इंजेक्शन लगवा करके। फिर सुबह उनकी पत्नी जब जगाने गई तो नहीं उठे, ये पता लगा यही हुआ। बड़ी दुखद घटना है, परिवार और अभी की मजबूत है, उम्र कम थी। तो सर आज कंडोलेंस हम लोगों ने किया है अभी और इसके बाद इसकी कार्य जो इमरजेंसी काम सब चल रहे हैं, चलते रहेंगे। कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी, बाकी अपना उनकी संवेदना में